हरिओम श्री राम। मोठी आई, बापू, नंदाई, दादा, मैं बहुत बहुत अम्भज्ञ हूँ। मेरा नाम शलाका वीरा सारंग। अभी मैं वेंगुर्ला में कोकण में स्थित हूँ, सिंधुदुर्ग जिला में। लेकिन पहले मैं मुंबई में रहती थी और मुंबई में मुलुंड केंद्र में जाती थी और अपना श्री हरि गुरुग्राम में भी सेवा करने के लिए जाती थी। ये जो मेरा अनुभव है, ये 2006 की गुरु पूर्णिमा दिन का अनुभव है। 2006 में बापू के पास आकर मुझे 6 साल हुए थे। मैं 2000 से बापू के पास उनकी कृपा से आ रही हूँ। हर एक दिन कहो या हर एक पल कहो, बापू के छोटे मोटे अनुभव आते ही रहते हैं। और कितना शेयर करेंगे, कितना आपके साथ मैं बांट दूंगी, उतना कम है। लेकिन ये जो मेरा अनुभव है, मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। इस दिन क्या हो गया, गुरु पूर्णिमा 2006, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि उस दिन मुंबई में क्या हुआ था। उस दिन मुंबई में पश्चिम रेल में लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और चेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। मतलब एक ट्रेन, दूसरे ट्रेन, तीसरे ट्रेन, ऐसे हर एक अलग अलग स्टेशंस में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ऐसी मेरी तकदीर तो थी कि मैं भी शायद उसमें एक व्यक्ति हो सकती थी, लेकिन बापू की कृपा से मैं उसमें से कैसे बच गई, ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। उस दिन हुआ ऐसे कि मैं तभी मुंबई में सेंट्रल रेलवे में अकाउंट्स का विभाग में सीनियर सेक्शन ऑफिसर ये पोस्ट में काम कर रही थी। अब मैं सेवानिवृत्त हूँ और बेंगुर्ला में रहती हूँ, बेंगुर्ला प्रायोगिक उपासना केंद्र में जाती हूँ। लेकिन तभी क्या हुआ था कि मैं और मेरी एक सहेली, छाया नाम है उसका, हम दोनों ने पहले दिन डिसाइड किया था। मैं उसको बोली कि मैं शाम को जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये साल अभी छुट्टी बहुत हो गई है तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। वो बोली कि ठीक है, तुम शाम को जाओ, मैं सुबह जल्दी जल्दी सब मेरा पूजा वगैरह सब करके मैं सुबह जल्दी जाऊंगी ब्राह्म मुहूर्त में उठ के। मैं बोली ठीक है, मुझे तो जमेगा नहीं इतना जल्दी आने को, मैं शाम को ही आऊँगी। और दूसरे दिन क्या हुआ, वो मुझे मिली लंच टाइम में। मैं बोली क्या हो गया, गई थी बापू के पास, कैसे हो गया बापू, कितने बजे आए, तुमको दर्शन हो गया क्या, कितनी भीड़ है, जो अपना रोज के सवाल होते हैं मैंने उससे पूछे। वो बोली अरे क्या हो गया, मैं सुबह गई नहीं, मेरे को नींद ही नहीं खुली, 6 बजे मेरी नींद खुली, मैं कैसे जा सकती थी फिर, तो मैं सीधा ऑफिस ही आई और मैंने सोचा कि तू शाम को जा रही है, तुम्हारे साथ मैं भी आ जाऊँगी। मैं बोली ठीक है, फिर हम लोग 6 बजे ऑफिस से छूटेंगे, उसके बाद एक ट्रेन फिक्स की हम लोग ने कि ये ट्रेन में जाकर हम लोग दादर में मिलेंगे, क्योंकि कांदिवली जाना था उस दिन। तो वैसे जो ट्रेन हमने तय की थी उसमें हम लोग बैठे, दादर में मिले। दादर में ब्रिज चढ़ के ऊपर आए कि हम अभी वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन पकड़नी थी, तो उधर ऊपर आए तो एक अनाउंसमेंट मैंने सुना कि 3 नंबर में एक फास्ट ट्रेन आ रही है और वो बोरीवली ट्रेन है और कांदिवली रुकेगी। और ऐसा मैं उसको बोली कि चल अभी हम लोग ये ट्रेन में जाएंगे, फास्ट भी है, कांदिवली रुकेगी तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और वो मुझे बताना चाहती थी कि 5 नंबर में एक ट्रेन है जो दादर से छूटने वाली है और वो भी कांदिवली हॉल्ट है, तो उसमें हमको बैठने को जगह मिलेगी तो हम लोग उसमें जाएंगे। लेकिन मेरे को जरा जल्दी थी ना, पहले एक सुबह से लेट तो हुआ ही था, मतलब सुबह से जा नहीं पाई थी, तो कभी बापू को देख रही हूँ, ऐसा ये मन में एक ये था कि जल्दी जल्दी मैं बापू के दर्शन के लिए पहुँचूँ। तो मैं बोली नहीं नहीं, हम लोग ये ट्रेन में जाएंगे, ये पहले जाएगी, उतना तो उतना हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। ऐसा बोल के मैंने सीढ़ी नीचे उतरना शुरू किया। मैं जल्दी जल्दी उतरने लगी, वो थोड़ी पीछे रह गई, और मैं जैसे नीचे उतरने लगी उतने में ट्रेन भी आई साथ में, तो मैं और ज़ोर से उतरी और फटाफट भाग के गई और लेडीज़ फर्स्ट क्लास में चढ़ गई। और वो पीछे से आई हाँपते हाँपते मेरे पास, मेरे बाद में वो भी मेरे डब्बे में चढ़ गई और बोली गीता, मेरा मैके का नाम गीता है, तो गीता अरे मैं तुमको कितना बुला रही थी, कितना पुकार रही थी कि तू रुक जा, हम लोग पहले वाले जेंट्स फर्स्ट क्लास में चढ़ेंगे, ऐसा। तो मैं बोली जाने दो, अभी तू आई है ना, जेंट्स फर्स्ट क्लास में जाने का कोई सवाल ही नहीं आता है, ऐसा मैंने उसको बोला। और हम लोग बातें करने लगे।
और बातें करने लगे। इतने में माटुंगा रोड स्टेशन है वो पास हो गया और ट्रेन इतने फुल स्पीड में जा रही थी और बहुत हिल रही थी, हम लोग भी अंदर हिल रहे थे। तो मैं बोली देख इतना ट्रेन फास्ट जा रही है, कितना स्पीड में जा रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि हम लोग जाएंगे ना सेफ ऐसा। तो बोली हाँ हाँ ऐसा हम लोग बातें कर रहे थे। उतने में वो माटुंगा रोड स्टेशन पास हो गया और माहिम स्टेशन आधा गया और इतना जोर से धमाका हुआ कि कुछ समझा ही नहीं। ऐसा लगा क्या हो गया इतना एकदम जोर से। तो मैं उसको बोली देख अभी ना ट्रेन इतनी स्पीड में जा रही थी, आगे के डब्बे डिरेल हो गए, अभी हम लोग लटक गए यहाँ पर। और हम लोग ऐसे बोल ही रहे थे, मैं उसको ऐसे बोल ही रही थी तो ट्रेन हॉल्ट हो गई और आगे जो दरवाजे में जो लेडीज़ खड़ी थी उन्होंने नीचे धड़ाधड़ जंप किया। तो वो उन्होंने जंप किया करके हम लोग दोनों भी आए दरवाजे में और देखा तो हमको कुछ अलग से माहौल लगा। तो हम लोग ने भी धड़क से जंप लगाई, नीचे कूद गए, लेकिन बापू की कृपा से हमको कुछ भी नहीं, चोट वगैरह कुछ आई नहीं और हम लोग आराम से कूद गए। और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखा हम लोग ने, एक बहुत बड़ा काला धुआं, लेकिन बड़ा एक बड़ा सा था और वो धुआं जो ऐसा ऊपर उड़ गया और आकाश की तरफ गया। तो हमको ऐसा रियलाइज़ हो गया कि यार ये तो कुछ तो अलग है। ऐसा सोच के हम लोग थोड़ा आगे गए और पीछे टर्न हो के देखने लगे। पीछे मुड़ के देखा तो क्या, जो डब्बे में हम लोग चढ़ने वाले थे, मतलब वो अगर वो मुझे बोल रही थी कि इस डब्बे में हम लोग चढ़ेंगे, वो डब्बे का नक्शा बिल्कुल ही बदला हुआ था। इतना वो दृश्य इतना ये था, विदारक था कि हम लोग देख नहीं पाए उसको, कि ऐसे जब जेंट्स जो दरवाजे में खड़े थे वो कोई ऐसे के ऐसे खड़े खड़े मृत हो गए थे, कोई नीचे गिर गए थे और आधे अंदर थे वो तो जख्मी होके चिल्ला रहे थे, ऐसा सब माहौल। और वो इतना बड़ा दृश्य, एकदम ऐसा विवरण करने वाला दृश्य था, वो आज तक हम लोग भूले नहीं हैं। और ऐसे अगर समझो उस डब्बे में हम लोग दोनों बाई चांस उसका सुन के हम लोग चढ़ते थे तो ये अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन बापू की कृपा है, उनको कुछ तो काम मुझसे करवा लेना चाहिए था, इसके लिए उन्होंने मुझे भी अच्छा रखा और मेरी सहेली को भी अच्छा रखा, एकदम बिल्कुल जैसे कि फूल के जैसे हमको संवारा। इतना इतना वो दृश्य ये था, कैसे भी हम लोग एकदम थर थर काँपने लगे कि क्या हो गया है और हमारे साथ क्या हो सकता था। अगर दो मिनट के लिए मुझे बापू ने डेफ या बहरा नहीं करते थे तो शायद मैं उसकी पुकार सुन भी लेती थी और शायद हम लोग उस डब्बे में चढ़ भी सकते थे। लेकिन तभी भी बापू मुझे बचाते ही थे, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बापू ने जैसा बोला है 2400 घंटों बापू अपने साथ रहते ही है। लेकिन उस टाइम पर, उस समय पर ऐसे हम पर बीत गई कि क्या सूझ ही नहीं रहा था कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कैसा भी एक दूसरे को हौसला देते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम लोग एक नंबर प्लेटफॉर्म में आए। उतने में मेरी मोबाइल की घंटी बजी, मैंने मोबाइल निकाल के देखा तो एक मेरी जो सहेली ऑफिस में थी उसका फ़ोन था, तुम किधर हो, कैसी हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं ठीक हूँ, हम लोग दोनों हैं साथ में और ठीक है, तू जरा मेरे घर में फ़ोन करके मेरे पति को बोल देना कि मैं ऐसा सेफ हूँ, ऐसा हमारे ट्रेन में हुआ है। इतना बोल के हो गया और वो फ़ोन डेड हो गया। और ऐसा करके हम लोग वो मेरे फ्रेंड के घर में आए। उसका भी एक अलग ही ये था, उसका लड़का जो था वो 10th में पढ़ता था और वो पुणे में रखा था उसने पढ़ने के लिए। और वो लड़का जब भी 3 साल का था तभी उसके हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गए थे, तो वो अकेली पेरेंट थी उसके, अकेली माँ बाप दोनों का वही देख रही थी। अगर समझो उसे कुछ हो जाता था तो उसका बच्चा तो अकेला हो जाता था। तो बापू ने उसकी भी ख्याल किया, उसका भी ख्याल किया, उसको भी सही सलामत रखा, मुझे भी सही सलामत रखा। और इतना ये बापू ने जो मुझे अभी ये जो नई ज़िंदगी दी है वो मेरे लिए एक बोनस की जैसी है। जैसे मराठी में हम लोग कहते हैं, या जोवर या देही आहे श्वास तोवरी निज कार्यास साधुनी घ्या। तो मुझे बापू को यही कहना है, जो भी आप सेवा या भक्ति जो भी मेरे से आप करवाना चाहते हैं वो आप मुझसे करवा लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में मुझे जगह दीजिए। हरि ओम श्री राम अम्बद्या।